हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सीपैक शंघाई तावुन तंजीम के विजन का आकाश है। वजीर आजम शाहिद खाकान का शंघाई तावुन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। पेशावर में ज़रई यूनिवर्सिटी रिसर्च डायरेक्टोरेट पर दहशतगर्दों का हमला, तलबा समेत 9 अफराद शहीद, 36 जख्मी, एक मशकूक जख्मी ज़ेरे हिरासत। तलबा कहते हैं कि फायरिंग की आवाज सुनते ही हॉस्टल से भागकर जान बचाई। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर हमला करते हैं, ये ना तो इंसान है और ना ही मुसलमान। वजीर आला परवेज खटक की जख्मियों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, आईजी के पी सलाउद्दीन कहते हैं पुलिस 3 से 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंची, फौज और पुलिस ने एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताबुन किया। हमलावर अफगानिस्तान में मौजूद में थे, सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया था। DGISPR की गुफ्तगू, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पुलिस की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। बदकिस्मती से हमें सादिक और अमीन लीडर नहीं मिले, मगरिब में कोई शख्स सादिक और अमीन ना तो लीडर ना हो तो लीडर नहीं बन सकता। चाहते हैं कि मदारिस के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने, इमरान खान का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। धरना पिछला हो या अब का, फर्क सिर्फ दाढ़ी का था, दोनों धरनों में गालियां दी गईं, मकसद सिर्फ नवाज शरीफ को गिराना था। कलाल चौधरी की तनकीद, कहा जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकता। सरवरे कौन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुल्क में हर सू खुशियां ही खुशियां, दुरूद सलाम की महाफिल और जलसों का इनेकाद। कराची, हैदराबाद और सखर में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सारे जहां में धूम हमारी जबां की है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैर मुल्की भी उर्दू जबान में हदिया नात पेश कर रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह में महफिल मिलाद, वजीर आला पंजाब और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी शरीक। पंजाब असेंबली के सामने तहरीक लब्बैक का धरना 7वें रोज भी जारी, रास्ता बंद होने से आवाम की मुश्किलात बरकरार। साबिक वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, जो सहूलियात मेडिकल बोर्ड ने तजवीज की वो हमारे पास मौजूद नहीं, ऐसे हालात में शर्जील मेमन की सेहत और जिंदगी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, चीफ मेडिकल ऑफिसर जेल का सिंध हुकूमत को खत। अफगानिस्तान पाकिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहता है, मुल्क में दाइश को सिर्फ पहाड़ों तक महदूद कर दिया गया, अफगान सदर अशरफ गनी का आज़रबाईजान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। उसामा बिन लादिन की पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म पाकिस्तानी हुक्काम को नहीं था, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का नई दिल्ली में खिताब। लॉस एंजलिस में सजा कारों का मेला, मुख्तलिफ अकसाम की 1000 जदीद और आलीशान गाड़ियां तवज्जो का मरकज, नुमाइश 10 दिसंबर तक जारी रहेगी।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात पिशावर में होने वाले दहशतगर्द हमले की। मुल्क दुश्मनों ने पिशावर ज़रई यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट में जारी तकरीब पर हमला कर दिया। दहशतगर्द रिक्शे में सवार होकर यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट पहुंचे। दहशतगर्द हमले में 9 अफराद शहीद जबकि 36 जख्मी हुए। आपको बताएं कि जख्मियों को हयातआबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इन जख्मियों में चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, तलबा और सहाफी भी शामिल हैं। हयातआबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 6 लाशें और 17 जख्मी मुंतकिल किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि स्वीपिंग ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से खुद को जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड समेत दीगर बारूदी सामान भी बरामद हुआ। सुबह 8:45 पिशावर की ज़रई यूनिवर्सिटी रिसर्च डायरेक्टोरेट में तकरीब जारी थी कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। दहशतगर्द बुजदिलों की तरह बुरका पहनकर रिक्शे में आए, पहला निशाना मुहाफिज को बनाया और जख्मी कर दिया। सलाह मिलते ही पुलिस पहुंची और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। इसी दौरान यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट से धमाकों की आवाजें भी सुनी गयी। फायरिंग और धमाकों की आवाज से इलाका गूंज उठा। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए और अचानक फायरिंग कर दी। सूरत हाल खराब हुई तो फौज को तलब कर लिया गया। फौज ने कंट्रोल संभाला और ऑपरेशन की फजाई निगरानी भी शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी एहलकार महसूर अफराद को निकालते रहे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करके तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जख्मियों को फौरी तौर पर खैबर टीचिंग अस्पताल और CMH समेत दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में तुलबा, मुहाफिज, चौकीदार और सहाफी भी शामिल है। उधर IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद का कहना है की हमले की तला के 5 मिनट के बाद ही पुलिस पहुँच गयी थी। जवानों ने मैसूर लोगों को रेस्क्यू कराया। इसी बारे में आपको दिखाते हैं काशान आवान की रिपोर्ट। एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट पर हमले के बाद IGP खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 3 हमला आवर बुरका पहनकर आए, जिसके 5 मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। तकरीबन 8:35 पे कॉल आई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऊपर हमले की। पुलिस ने 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ उनकी पहली गाड़ियाँ पहुँची हैं। IG का कहना था कि दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाकये में 6 तुलबा और चौकीदार समेत 9 अफराद शहीद हुए। अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें 6 के करीब स्टूडेंट्स हैं, उसमें उनका चौकीदार है स्कूल का, 1-2 सिविलियंस हैं और 3 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, चौथे की कन्फर्मेशन हो रही है। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि जख्मी होने वालों में पुलिस और फौजी अहलकार भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी है और 2 आर्मी के ऑफिसर्स के जख्मी होने की इतला है। IGP सलाहुद्दीन का कहना था कि अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द इन वाकियात में मुलविस हैं, जो मासूम आवाम को निशाना बना रहे हैं। बॉर्डर के उस साइड बैठे दहशतगर्दों की मिलाप के नतीजे में दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स पे जाते हैं या कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा में दहशतगर्दों के ठिकाने या उनके ऐसे मराकज नहीं हैं जिस तरह माजी में होते थे या जिस तरह हमें नुकसान दे सकते थे। आज होने वाले हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए और 1 शख्स से तफ्तीश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में माजी की तरह दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि पिशावर में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। दहशतगर्द हमले के मुतालिक अफगानिस्तान से बात करेंगे। पिशावर ज़रई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट पर हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, DGISPR ने बता दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। कालादम तहरीक तालिबान की जिम्मेदारी कबूल करना
अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सबूत है। जो पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है वो किस तरीके से उसमें डेंट डाल के ये बता सकें कि अभी भी ये हो सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर तो इनका कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रह नहीं गया। हमारे पास अभी एविडेंस भी है कि व्हाइल दे वर डूइंग दिस ऑपरेशन तो वो कम्युनिकेशन में थे अपनी लीडरशिप के साथ अफगानिस्तान में, और उन्होंने इसको क्लेम भी किया है TTP ने। तो हम यही बात जो है RSM से और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज से कहते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी वैक्यूम है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मुसलमान आज के दिन किसी किस्म की दहशतगर्दी का सोच भी नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्टेड लोग हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। DGISPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुछ किया है, अफगानिस्तान के अंदर का काम वहाँ मौजूद फोर्सेस का है। अफगानिस्तान के अमन के लिए जो भी पाकिस्तान की सपोर्ट है वो उनको दी जा रही है और आइंदा भी देंगे, और जो हम बॉर्डर पर फेंस कर रहे हैं इससे भी जो है जो बॉर्डर की सूरत आला बेहतर होगी। और हमने ये भी तजवीज़ दी है कि जिस तरीके से हम अपनी तरफ फेंसिंग कर रहे हैं, अगर अफगानिस्तान भी अपनी तरफ ये फेंसिंग कर ले और हम उसके लिए तैयार हैं कि हम उनको ये फेंसिंग करके दे दें और जो किले हैं वो बनाएं अपनी तरफ भी, जब तक दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी वैक्यूम होगा ये हालात ऐसे रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और अमन के लिए ज़रूरी है कि अफगान मुहाजरीन अपने मुल्क वापस।